हेलो क्लास टेंथ, वेलकम टू लर्न विद जेनिथ गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज की क्लास में हम करने वाले हैं एनसीईआरटी रीडिंग। लास्ट टू क्लास में हमने जो भी पढ़ा है उसकी आज हम बुक से रीडिंग करते हैं ताकि हमारा कोई भी टॉपिक मिस ना हो जाए। स्टार्ट करते हैं। तो हमें पढ़ना है यहाँ से, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या है, वॉट डू All assets and all bases have common. सारे assets और सारे bases में क्या common होता है? देखो, we have seen that all assets have similar chemical properties. हमने ये देखा है कि सारे assets का almost similar chemical properties होता है। तो ये कैसे हैं? क्योंकि जब हमने chemical properties पढ़ा था तो ये चीज़ हमने भी notice की थी। हमने देखा था कि almost सारे ही reaction में H2 गैस रिलीज हो रहा है, ठीक है, एसिड बेस मिल रहे हैं तो हमें वाटर मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है या फिर सॉल्ट मिल रहा है, ऐसा कुछ हमारी ऑब्जर्वेशन थी। तो ये किस वजह से हो रहा है? व्हाट लीड्स टू दिस सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टीज? वी सॉ इन एक्टिविटी दैट ऑल एसिड्स जनरेटेड हाइड्रोजन गैस। जितने भी एसिड्स हैं वो क्या जनरेट करते हैं? हाइड्रोजन गैस जनरेट करते हैं, ये हमने देखा था, ठीक है। ऑन रिएक्टिंग विथ मेटल्स, अगर मेटल्स के साथ हम एसिड्स का रिएक्शन करा रहे हैं तो वो जनरली हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। सो हाइड्रोजन सीम्स टू बी कॉमन टू ऑल द एसिड्स। तो जितने भी एसिड्स होते हैं उन सब में क्या कॉमन देखने के लिए हमको मिला? हाइड्रोजन गैस। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू इन्वेस्टिगेट वेदर ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिडिक। अब हमें देखना है क्या सारे ही जो एसिडिक है वो हाइड्रोजन रिलीज करते हैं या नहीं करते हैं। एक्टिविटी करेंगे अब हम 2.8। इसमें क्या है, टेक सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एटसेट्रा, मिक्स टू नेल्स ऑन अ कॉर्क एंड प्लेस द कॉर्क इन अ 100 ml ऑफ बीकर। एक हमने बीकर लिया है, ठीक है, यहाँ पे हमने रबड़ की कॉर्क लगाई है और उस रबड़ की कॉर्क पे हमने 2 आयरन नेल लगाया है। उसके बाद क्या किया, इस आयरन नेल पे हमने एक वायर, यहाँ से वायर कनेक्ट किया है और यहाँ से वायर कनेक्ट किया है। वायर में हमने 6 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट की है, एक बल्ब कनेक्ट किया है और स्विच कनेक्ट किया है, ठीक है। कनेक्ट द नेल्स टू द 2 टर्मिनल्स ऑफ द 6 वोल्ट ऑफ बैटरी थ्रू अ बल्ब एंड अ स्विच एज शोन इन फिगर 2.3। ओके, नाउ पोर सम डाइल्यूट HCl इन द बीकर एंड स्विच ऑन द करेंट। अब हमें क्या करना है, इस पूरे सेटअप के अंदर हम HCl, डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन डाल देंगे और चेक करें और फिर क्या करेंगे, उसके बाद हम इसमें जो हमने बैटरी लगाई है स्विच को हम ऑन कर देंगे। रिपीट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, वॉट डू यू ऑब्जर्व? सबसे पहले हमें एसिड्स के वो HCl के साथ करना है, फिर हमें सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करना है। रिपीट द एक्सपेरिमेंट सेपरेटली विद ग्लूकोज एंड एल्कोहल सोल्यूशन, वॉट डू यू ऑब्जर्व नाउ? डज द बल्ब ग्लो इन ऑल द केसेस? देखो, पूछेंगे कि सारे केसेस में क्या बल्ब ग्लो कर सकता है, करेगा या नहीं करेगा। तो बल्ब कब ग्लो करेगा, देखो, अगर खाली है और ये बीकर अगर खाली है और तब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तब बल्ब ग्लो नहीं करेगा। बट अगर हम इसमें HCl या फिर H2SO4 पोर करते हैं और तब उसके बाद उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो बल्ब ग्लो करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने HCl डाला तो इन दोनों नेल्स के बीच में HCl जो है वो इन दोनों नेल्स को कनेक्ट करेगा और इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। और HCl किस में ब्रेक हो जाएगा, HCl ब्रेक हो जाएगा H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में, यानी कि ये H आयंस दे रहा है। ऐसे ही जो H2SO4 है, H2SO4 भी ब्रेक हो जाएगा, ये हो जाएगा 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, ठीक है, ये 2 हाइड्रोजन देगा और SO4 2 नेगेटिव देगा। इसके बाद The bulb will start glowing in the case of acids, as shown in figure. अभी हमने यही बात की थी कि HCl और H2SO4 क्या करेगा, बल्ब को ग्लो कराने में हेल्प करेगा।
But you will observe that glucose and alcohol solution do not conduct electricity. तो अब इसके पीछे का क्या रीजन है कि ग्लूकोज और अल्कोहल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए हमारे पास चार्ज होना चाहिए. चार्ज क्या होता है? आयंस. आयंस में हमने दो चार्ज के बारे में पढ़ा है. पहला होता है कटायन और दूसरा होता है अनायन. कटायन मीन्स पॉजिटिव चार्ज और अनायन मीन्स नेगेटिव चार्ज. अगर किसी भी कंपाउंड में आयंस प्रेजेंट है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, और अगर किसी कंपाउंड में आयंस प्रेजेंट नहीं है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा. तो ऐसे ही जो ग्लूकोज होता है, जो अल्कोहल होता है, वो पानी में जाने के बाद डिसोसिएट यानी कि टूटते नहीं है अपने कटायंस एंड अनायंस में, जिनकी वजह से इस पे चार्ज नहीं होता, और चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते और ये बल्ब को ग्लो नहीं करा सकता है. ग्लोइंग ऑफ बल्ब इंडिकेट दैट देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन. द इलेक्ट्रिक करंट इज कैरीड थ्रू द एसिडिक सॉल्यूशन बाय आयंस. किसके थ्रू वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रहा है? आयंस के थ्रू. आयंस होगा तो इलेक्ट्रिसिटी वहां पे होगी, और अगर आयंस नहीं होगा तो कितना भी इलेक्ट्रिसिटी दे दो वो डिसोसिएट नहीं होंगे और इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं कर पाएंगे. एसिड कंटेन्स एच पॉजिटिव आयंस एज कटायन एंड अनायन सच एज सीएल नेगेटिव आयंस. जितने भी नेगेटिव चार्ज वाले कंपाउंड्स होते हैं या फिर एलिमेंट होते हैं वो हमारे अनायंस कहलाते हैं, और ऐसे एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम कटायन बोलते हैं. ठीक है, HCl का ब्रेकडाउन हुआ, ऊपर हमने किया था H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में. NO3, HNO3, SO2 नेगेटिव इन H2SO4, CH3COO नेगेटिव एंड CH3COO पॉजिटिव. सिंस द कटायन प्रेजेंट इन एसिड्स इज H पॉजिटिव. जितने भी एसिड्स होते हैं उन सब के पास H पॉजिटिव प्रेजेंट होता है. 10th क्लास तक इतना दिया जाता है, बट जब आप आगे पढ़ोगे 11th 12th में जब आप एसिड्स के बारे में पढ़ोगे तो उसमें आपको और इन्फॉर्मेशन देगी. ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एच पॉजिटिव या फिर ओ एच नेगेटिव वाले ही एसिड्स बेस होते हैं, बट क्लास 10th के लिए अभी आपको इतना ही पढ़ना है. दिस सजेस्ट दैट एसिड्स प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस एच पॉजिटिव इन सल्यूशन. ठीक है, एच पॉजिटिव इन सल्यूशन which are responsible for their acidic properties. ये जो H positive होता है पानी में जाता है, ठीक है, और H ions में convert हो जाता है. यही हमें बताता है कि कोई भी substance acidic है या फिर basic है. Repeat the same activity using alkalis such as sodium hydroxide, calcium hydroxide etc. What can you conclude from the result of this activity? देखो, इस activity से हमें ये पता चल रहा है कि सबसे पहले अगर acid की बात करें तो acids क्या होते हैं? अपने cation और anions में break हो जाते हैं और electricity conduct होगा, bulb will glow. वही जो base है यानी कि NaOH है वो भी cation और anion में break down हो जाएगा, और ऐसा कोई भी कंपाउंड जो कटायन और अनायन में ब्रेकडाउन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा ही करेगा. जितने एसिड्स होते हैं उन सब में H पॉजिटिव कॉमन होता है, जितने बेस होते हैं उन सब में OH माइनस वो क्या होता है? कॉमन होता है. OH नेगेटिव इज हाइड्रोक्साइड, H पॉजिटिव इज हाइड्रोनियम आयन. उसके बाद है What happened to an acids or base in water solution? Do acids produce ions only in aqueous solution? क्या जो acids है, ठीक है, या फिर base है, वो अपने ions सिर्फ aqueous solution में ही देंगे? देखो, कोई भी pure acid और pure base को हम dissociate नहीं कर सकते हैं. उनको dissociate करने के लिए या तो हमने electricity ली थी, electricity की presence में हमने उसको dissociate किया था, या तो हम वाटर में उसको डिसोसिएट कर सकते हैं, तभी वो इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा. कोई भी प्योर एसिड, प्योर बेस, इवन प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता है. ठीक है, जो हमारे घरों में पानी आता है वो प्योर नहीं है. ठीक है, आपके नाव में जो रखा होता है ना डिस्टिल्ड वाटर, वो प्योर है,
प्योर का मतलब है कि उसके पास कोई भी मिनरल्स प्रेजेंट नहीं होंगे, वाटर में कोई भी आयंस प्रेजेंट नहीं होगा, उसको हम बोलते हैं प्योर वाटर। और प्योर वाटर कभी भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करता है, मीन कंडक्ट नहीं कर सकता है। क्लियर है? एक्टिविटी 2.9, टेक अबाउट 1 ग्राम सॉलिड NaCl इन अ क्लीन एंड अ ड्राई टेस्ट ट्यूब एंड सेट अप द अपैरेटस सच एज शोन इन फिगर दिस। ठीक है, टेस्ट ट्यूब ले लिया है, टेस्ट ट्यूब में क्या किया, 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड डाल दिया है। उसके बाद एड सम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू द टेस्ट ट्यूब, और इसमें हमने कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला है, यानी कि कंसनट्रेटेड का मतलब है कि उसमें एसिड की क्वांटिटी ज्यादा होगी। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इज देयर अ गैस कमिंग आउट ऑफ द डिलीवरी ट्यूब, टेस्ट द गैस इवॉल्व सक्सेसिवली विद द ड्राई एंड द वेट ब्लू लिटमस पेपर, इन विच केस डज द लिटमस पेपर चेंज कलर। फिर यहाँ पे क्या किया गया है, प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस। अच्छा, यहाँ से HCl गैस हम प्रिपेयर करेंगे, सोडियम क्लोराइड लिया, सोडियम क्लोराइड के पास हम ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या करेंगे, कंसनट्रेटेड H2SO4 डालेंगे। जब आप लैब में कभी जाओगे और एसिड या फिर बेस के साथ रिएक्शन करते हो, तो याद रखना कि हमें अपैरेटस को हैंडल कैसे करना होता है। यहाँ पे देखो, ड्रॉपर से कॉर्नर पे ये ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल रहे हैं, सेंटर से भी डाल रहे हैं। ठीक है, तो जब भी हम कभी एक्सपेरिमेंट करते हैं एसिड और बेस का, तो हम ड्रॉप बाय ड्रॉप ही एसिड और बेस लेते हैं और बिल्कुल कॉर्नर से डालते हैं, ताकि जो गैस है वो बिल्कुल इवॉल्व होके हमारे मुंह पे ना आ जाए। क्लियर है? ऑन द बेसिस ऑफ द अबव एक्टिविटी, व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द एसिडिक कैरेक्टर, ड्राई HCl और HCl सॉल्यूशन, इन दोनों के बारे में हमें बात करना है कि ड्राई HCl और HCl सॉल्यूशन। देखो क्या कहा गया है इसमें, नोट टू टीचर्स, इफ द क्लाइमेट इज वेरी ह्यूमिड, यू विल हैव टू पास द गैस प्रोडक्ट थ्रू अ गार ट्यूब, यानी कि ड्राइंग ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड टू अ ड्राई गैस। ये आपके काम का अभी तो फिलहाल नहीं है। दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट हाइड्रोजन आयंस, यानी कि HCl आर प्रोड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, द सेपरेशन ऑफ एच आयंस फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल्स कैन नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। अगर प्योर HCl लेंगे हम, या फिर प्योर कोई भी कंपाउंड ले लो, प्योर HCl ले लो, NaOH ले लो, ये डिसोसिएट नहीं होगा। डिसोसिएशन करने के लिए हमें इनको मीडियम देना पड़ेगा, और वो मीडियम क्या है, वाटर है। तो हमने क्या किया, HCl को वाटर के अंदर डाला, तो ये H पॉजिटिव आयंस और Cl नेगेटिव आयंस बन गया। अब यहाँ पे H पॉजिटिव तो कहीं लिखा नहीं है, क्या लिखा है, H3O पॉजिटिव। अब ये क्या है, H पॉजिटिव का मतलब समझो पहले। H पॉजिटिव का मतलब है कि हाइड्रोजन के पास जो बचा कुचा एक इलेक्ट्रॉन था, वो भी उससे छीन लिया गया है, यानी कि अब हाइड्रोजन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, सिर्फ प्रोटॉन है उसके पास। ठीक है, ये क्या है, प्रोटियम है, सिर्फ प्रोटॉन है। तो ये एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, लेकिन हम इसको जब एक्वस में डालेंगे, पानी के अंदर डालेंगे, तो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, इस H पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बनाएंगे और ये बन जाएगा H3O पॉजिटिव। ये भी हमारा हाइड्रोनियम आयन ही है। क्लियर है? ये भी हाइड्रोनियम आयन है, क्योंकि ये स्टेबल है एनवायरनमेंट में, इसीलिए हम H पॉजिटिव की जगह H3O पॉजिटिव लिख देते हैं। हाइड्रोजन आयन के नॉट एग्जिस्ट अलोन, बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद वाटर मॉलिक्यूल, दस हाइड्रोजन आयंस मस्ट ऑलवेज बी शोन एज H पॉजिटिव एक्वस और हाइड्रोनियम आयन, यानी कि H3O पॉजिटिव। ओके, H पॉजिटिव और वाटर के साथ रिएक्शन करवा के H3O पॉजिटिव बना दिया। वी हैव सीन दैट एसिड्स गिव H3O पॉजिटिव, यानी कि हाइड्रोनियम आयन देते हैं, जब उनको वाटर में हम डिसॉल्व करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं। लेट अस सी व्हाट हैपन व्हेन बेस इज डिसॉल्व इन वाटर, जब हम बेस को वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तब क्या होगा, तभी भी हमें कैटायन और अनायन दोनों ही चीजें मिलेंगी, यानी कि Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। यहाँ पे और भी बेस लिया हुआ है, जैसे कि KOH है,
KOH को हमने वाटर में डिसॉल्व किया तो K पॉजिटिव कटायन एंड OH नेगेटिव एनायन, MgOH को होल ट्वाइस को हमने डिसोसिएट किया वाटर के साथ तो ये Mg2 पॉजिटिव और 2OH नेगेटिव, ठीक है, क्लियर है। बेस जनरली हाइड्रोक्साइड OH आयंस इन वाटर, बेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज। जितने भी बेस वाटर में सॉल्युबल होते हैं उनको हम एल्कलीज बोलते हैं। सारे एल्कलीज बेस हो सकते हैं बट सारे बेस एल्कली नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सारे बेस पानी में जाके डिसॉल्व हो, कुछ ऐसे बेस होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व नहीं हो सकते। ऑल बेसिस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, एंड एल्कली इज अ बेस दैट डिसॉल्व इन वाटर, दे आर सोपी टू टच। वो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, वो सोप जैसा फील करते हैं जब हम उसको टच करते हैं, वो सोपी होते हैं। बिटर एंड कोरोसिव, नेवर टेस्ट और टच देम एज दे मे कॉज हार्म। विच ऑफ दीज बेसिस इन द टेबल 2.1 आर एल्कलीज। नाउ एल्कली और बेस में डिफरेंस पता चल गया है, सारे ही बेस हैं, सारे बेस एल्कली नहीं हो सकते बट सारे एल्कली बेस हो सकते हैं। नाउ वी हैव identified that all acids generated H positive and all bases generated OH negative. सारे acids H positive देते हैं, सारे base OH negative देते हैं. We can view the neutralization reaction as follow. ये चीज class में बताई थी, acid है यहाँ पे और यहाँ पे base है. Acid से हमें मिला H positive और base से हमें मिला OH negative. इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारा बन जाएगा यहाँ पे वाटर। और जब हम एसिड और बेस का रिएक्शन कराते हैं तो सॉल्ट तो बनता ही बनता है, साथ में हमें वाटर मिलता है, वो इस प्रोसेस से मिलता है। क्लियर है, यहाँ पे ये पूरा करके दिखाया है। लेट अस सी व्हाट इज इन्वॉल्व व्हेन वाटर इज मिक्स्ड विद एन एसिड और बेस। जब हम वाटर को एसिड या फिर बेस में डालेंगे तो क्या होता है ये देखेंगे। एक्टिविटी 2.10, पहले हमने बीकर में 10 ml वाटर ले लिया है, एड फ्यू ड्रॉप ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 टू इट एंड स्ट्रेल द बीकर स्लोली। पानी ले लिया और उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप कंसंट्रेटेड एसिड ड्रॉप डाल रहे हैं। टच द बेस ऑफ द बीकर, और फिर हमने क्या किया, जिस बीकर में उसको लिया है उसके बेस को जब हम टच करेंगे तो कैसा फील होगा, हमें बहुत गर्म गर्म सा लगेगा। इज देयर अ चेंज इन टेम्परेचर, ऑफ कोर्स। Is this an exothermic or endothermic reaction? देखो जब हीट निकल रही है, जब एनर्जी निकल रही है तो वो हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है। तो ये हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। रिपीट द अबव एक्टिविटी विद सोडियम हाइड्रोक्साइड पेलेट्स एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले हमने एसिड्स के साथ किया, फिर हमने बेस के साथ किया, दोनों ही केस में हमें जो बेस है बीकर का वो गर्म नजर आएगा। The process of dissolving in acids or base in water is highly exothermic. One, ठीक है, हम पानी में एसिड या फिर बेस जब डालते हैं तो वो हाईली एक्सोथर्मिक होता है। Care must be taken while mixing concentrated nitric acid or sulfuric acid with water. जितने भी concentrated acid है, चाहे वो HCl है, H2SO4 है या फिर HNO3 है, यानी कि nitric acid है, उनको अगर हम पानी में डालेंगे तो हमें बहुत ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए। द एसिड्स मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर विद द कॉन्स्टेंट स्टिरिंग। क्या कह रहे हैं, हमेशा पानी के अंदर एसिड हमें बहुत स्लोली डालना चाहिए, ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना चाहिए और कॉर्नर से डालना चाहिए। क्वेश्चन आता है कि हम एसिड में पानी मिलाएं या फिर पानी में एसिड मिलाएं, ठीक है। अब देखो, अगर हम एसिड में पानी मिलाएंगे तो बहुत तेजी से गैस ऊपर आएगा और हम जल भी सकते हैं क्योंकि वो हाईली एक्सोथर्मिक होता है। तो हम वो वाला प्रोसेस ना करके हम क्या करते हैं, पानी में ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड मिलाते हैं ताकि वो अच्छे से, पानी के पास क्या होता है, पानी उसके पास लेटेंट हीट होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करने की ताकत होती है। तो जैसे ही हम ड्रॉप बाय ड्रॉप उसमें कोई सा भी एसिड डालेंगे तो वो उस हीट को एब्जॉर्ब करेगा और तुरंत ब्लास्ट होने की बजाय वो धीरे 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 गर्म होगा,
क्लियर है? इफ वॉटर इज एडेड टू द कॉन्सेंट्रेटेड एसिड द हीट जनरेटेड मे कॉज द मिक्सचर ऑफ स्प्लैश आउट एंड कॉज बर्न्स. अगर हम क्या करेंगे, एसिड में पानी डालेंगे तो वो बहुत ज्यादा हाईली एक्सोथर्मिक हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा और हम जल सकते हैं. द ग्लास कंटेनर में ऑल्सो ब्रेक ड्यू टू द एक्सेसिव लोकल हीटिंग. लुक आउट फॉर द वार्मिंग, लुक आउट फॉर द वार्निंग साइन ऑन द केन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऑन द बॉटल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड स्पैरेट्स. मिक्सिंग एन एसिड और बेस वाटर रिजल्टिंग डिक्रीजेस इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम. सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन एंड द एसिड्स और द बेस इज सेड टू बी अ डाइल्यूटेड. हम क्या कर रहे हैं, एसिड बेस में जब पानी मिलाते हैं, उनको मिक्स करते हैं, तो जैसे ही हम पानी डाल रहे हैं, जो कंसंट्रेशन होगा एसिड का बेस का वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ज़्यादा हो गया. एसिड और बेस उतने ही हैं तो कंसंट्रेशन जो होगा वो धीरे 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 कम होता जाएगा और उस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइल्यूशन, जहाँ पे जो आयंस है, जो कैटायंस है, उनकी क्वांटिटी कम हो जाती है एज कम्पेयर टू वाटर की क्वांटिटी. क्लियर है, पता चल गया एसिड में पानी डालेंगे या फिर पानी में एसिड डालेंगे. पानी के अंदर हम ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड डाल सकते हैं, उसका उल्टा प्रोसेस करेंगे तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है हमको. ठीक है, जिस बीकर में कर रहे हैं वो बीकर टूट सकती है, हम जल सकते हैं, तो ऐसा नहीं करना है. क्लियर है, अब नेक्स्ट क्लास में ये करेंगे, उसके बाद आएगा हमारा पीएच वाला. ठीक है, तो आज की क्लास में हमने इतना कवर कर लिया है, इसके पहले का भी हमारा सारा कवर है. ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू सो मच.